बेटा कल अपन ने कुछ स्ट्रेट लाइन दे कुछ अपन ने शॉर्टकट टेक्निक्स कीतियां सीगियां है ना, कुछ मैंने टॉपिक्स दसे सीगे भी ऐदा होएगा ये ऐदा होएगा ये ऐदा होएगा ये ऐदा होएगा। तो मेरे ख्याल च बहुत बच्चों नु क्लियर हो गया होना, ठीक है जी। मेरे ख्याल जो लैक्चर देखा होना बहुत ज्यादा यूजफुल है बेटा, वो शॉर्टकट टेक्निक्स जिमें कि आप ने एक ट्रैंगल के मिड पॉइंट जितने होंने वे शॉर्टकट टेक्नीक आप वर्टिसिज किमें फाइंड करनी है, या स्केयर दे अपन दो वर्टिसिज दिते हुए हैं दो होर वर्टिसिज किमें फाइंड करने हैं। एक आप शॉर्टकट टेक्नीक की इक्विलेटरल ट्रायंगल दी कि दो वर्टिसिज दिते हुए हैं तीजा वर्टेक्स फाइंड करना है, उसकी भी शॉर्टकट टेक्नीक सी, ठीक है ना। तो यही जी कुछ शॉर्टकट टेक्नीक सी जो अपन ने कल डिस्कस कीतियां सी क्लास, मतलब क्वेश्चन इन्ने ज्यादा नहीं किए कल क्लास, बट अपने टेक्नीक्स बहुत ज्यादा पढ़िया सी कल। चलो अज आप गल करते कॉन्करेंसी की, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट लाइन्स। सो कॉन्करेंट लाइन्स वो वाली लाइन्स होंगे जिहड़ियां बेटा किस चो पास करन। हाँ जी, व्हाट आर कॉन्करेंट लाइन्स जिहड़ियां किस चो पास करेंगे बेटा। अगर मान लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइना का, अगर कोई तीजी लाइन भी सेम इसे इंटरसेक्शन पॉइंट चो पास होए, इट मीन दीज लाइन्स आर वॉट कॉन्करेंट लाइन्स। इज इट क्लीयर। तो कॉन्करेंट लाइन का पता किमें लगेगा, कुछ नहीं सिंपल बेटा, डेट याद है जिस दिन डेट की वैल्यू जीरो हो गई उस दिन समझ लो तीनों दी तीनों लाइन्स की हैं बेटा कॉन्करेंट लाइन्स है। इज इट क्लीयर। डेट सर किमें लिखा देखो ना, ए वन बी वन सी वन दिख रहा है, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री आर कॉन्करेंट इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इज इट ऑल क्लीयर। चलो जी शायद थोड़ा नीचे वाली कंडीशन याद होगी, मैंने बहुत चंगे तरीके याद कराई थी, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर टू एच एक्स वाई। हाँ जी अगे की लिखा हुआ बेटा, टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जिस दिन ए ते बी इक्वल हो जाने ते एच जीरो हो जाता है उस दिन अपन इसनों की कहने, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन हुण की होएगा बेटा, ते आ देखो ए कंडीशन की दी है बेटा, जिस दिन ए जीरो हो गया उस दिन की होएगा बेटा, बोलो। इट इज इक्वेशन ऑफ किसकी इक्वेशन बन जाएगी ये, इट इज इक्वेशन ऑफ टू लाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, दो लाइनें होंगी स्ट्रेट लाइन की है, क्लियर और नॉट, जिस दिन ये कंडीशन बनेगी आपकी। तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इज इट ऑल क्लियर। सर ये याद कैसे रखते हैं, याद करो मैंने आपको इस पे हैंड पे सिखा रखा है ए बी सी, ये क्या होता है एफ जी एच, दिख रहा है ए बी सी, ये क्या है एफ जी एच, दिख रहा है। देखो कैसे याद करना, ए बी सी बोलो क्या है, टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र, दैट्स इट, खत्म। इज इट ऑल क्लियर। देखो ए बी सी टू एफ जी एच ए एफ स्क्र बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र, अगर ये वैल्यू जीरो आ गई तो समझ लो ये क्या है बेटा, पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है जी, समझ में आई बात। तो अब ये देखो, अब ये बनती कैसे है, दो ये एक स्ट्रेट लाइन है ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर। अच्छा एक होता है जिस दिन ये कांस्टेंट जीरो हो गया, जिस दिन ये कांस्टेंट जीरो हो गया, या कुछ ऐसी इक्वेशन बनी दी हुई है नीचे, चलो होमोजेनाइजेशन में ही पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है बेटा होमोजेनाइजेशन, हाँ जी किसी को पता है होमोजेनाइजेशन किसके लिए होता है, दो तरह की इक्वेशन होती है, एक नॉन होमोजीनियस और एक होमोजीनियस इक्वेशन। पहले तो होमोजीनियस बता सकता है कोई, होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, हैं कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, अरे ऐसी इक्वेशन पढ़ी नहीं थी, ये क्या है, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसकी जो दो लाइनें होंगी वो पक्का कहां से पास करेंगी, ओरिजिन से पास करेंगी, तो उनको हम क्या कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आई, क्लियर हो गया जी, समझ में आई। जिस दिन ये इक्वेशन आई तो समझ लो हमारे पास दो ऐसी इक्वेशनें बनेंगी जो कहां से पास कर रही होंगी, ओरिजिन से पास कर रही होंगी।
अब इसमें इसमें मैं लिख सकता हूं कि एक इक्वेशन बनेगी वाई इक्वल टू एम वन एक्स, दूसरी इक्वेशन बनेगी वाई इक्वल टू एम टू एक्स। अब जैसे यहां पे ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, मैं यहां पे ये लिख सकता था कि इसकी दो इक्वेशन हैं जी, कौन कौन सी दो इक्वेशन है, एक को लिख सकता था वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, दूसरी इक्वेशन को लिख सकता था वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आ रही है चीज? ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। चले आगे चले, तो कुछ नहीं है ये, बेसिकली इतनी ज्यादा हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है इसकी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है जी। लोड पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, नहीं नहीं तभी तभी छोड़ रहा हूँ, तभी छोड़ रहा हूँ, बस उतना ही बताया, उसके आगे नहीं करना हमें, ठीक है जी। चलें जी आगे चलें। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन पे आओ। अब देखो क्वेश्चन है इजी, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे सर, दिक्कत आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्लियर? तो पहले डायग्राम बनाने के ऊपर काम करना है हमें, इजी होएगा क्वेश्चन। ए सी आर टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, इफ द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, बहुत इजी है। तो क्या दे दिया क्वेश्चन में, ये देखो ये रेक्टेंगल दे दिया आपको फॉर एग्जाम्पल, तो ये ए हो गया, लेट्स सपोज ये बी, ये सी और ये डी। आपको ये पॉइंट दिया हुआ है कितना, 1.3, और ये पॉइंट कितना दिया हुआ है, 5.1। और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप हमें कितनी दी हुई है बेटा, बोलो। स्लोप दी हुई है 2, क्या ये पॉइंट निकल जाएगा? ये कैसे निकलेगा सर पॉइंट? कल बताया था रेक्टेंगल और डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, कैन आई से दिस पॉइंट इज 3 और ये पॉइंट कितना आ गया 2, तो ये 3.2 और एम कितना आ गया 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन 2 टाइम्स x माइनस x1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2x माइनस 4, तो ये बन कितना गया 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। विच ऑप्शन, ये ऑप्शन, इज इट क्लियर? क्यों, कार्टीजियन के अकॉर्डिंग तो बना ही नहीं रहा मैं कोई भी डायग्राम बिना कार्टीजियन। मैं वो जिस दिन कार्टीजियन बनाऊंगा उस दिन मैं पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, मिड पॉइंट बेटा, ठीक है जी। तो डायगोनल क्या करता है बेटा, बाई सेक्ट करता है। इज इट ऑल क्लियर, समझ में आया ये? चलो जी, हाँ जी करो जरा अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। सर 2:3 कैसे बताएंगे, हाँ एक्स एक्सिस से होगा 2:3। जब भी बेटा रेशो का क्वेश्चन आएगा याद रखना ये जो रेशो होती है ना, ये 2:3 ये एक्स एक्सिस से होती है और ये कहां से होगी, वाई एक्सिस से ही होगी हमेशा। इज इट ऑल क्लियर, ये याद रखना। अच्छा क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट, करोगे ट्राई? अब भाई क्वाड्रेंट की गलती नहीं निकालनी, ठीक है? तो क्वाड्रेंट समझ के चलो कि जो भी है सही बना रहे हैं सर हम। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, रफ डायग्राम, नॉट एन एग्जैक्ट डायग्राम, ठीक है? जब एग्जैक्ट डायग्राम की जरूरत होगी तब करेंगे, क्लियर? चलो जी, ऐसा कुछ दे रखा है सर, ये मिड पॉइंट है? नहीं 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 मिड पॉइंट नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली इफ द पॉइंट 3.-4 डिवाइड द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द रेशियो 2:3। मतलब इंटरसेप्ट क्या कर रहा है, किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, लेकिन उस लाइन को ये पॉइंट इंटरसेप्ट कर रहा है किस रेशो में, 2:3 में। तो जो 2 लेना है सर वो यहां लेना है कि यहां लेना है, कहां लेंगे 2, यहां पे। तो इट विल बी 2:3, क्या इतनी बात समझ में आई? अब सर क्या करेंगे, अब कुछ नहीं बेटा, याद करो ये वाला पॉइंट क्या होता है, कहने से दिस इज 1.0, और आप याद करो ये वाला पॉइंट क्या होता है, कैन आई से इट विल बी 0.b। जिस दिन मेरे पास ये ए पॉइंट आ गया और जिस दिन मेरे पास ये बी पॉइंट आ गया, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दूंगा, तो
तो ए और बी कैसे आएगा? मैं यहां पे क्या लगा दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला। हाँ जी, क्या होगा? 3, -4 ये किसके इक्वल आया बेटा बोलो? इट विल बी 3a/5, और यहां पे क्या आएगा बेटा बोलो? 2b/5। तो बेटा 3a/5 इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 5। और 2b/5 इक्वल टू कितना आएगा? -4। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? -10। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी बन गई बेटा बोलो? x/5 y/-10 इक्वल टू 1। तो बेटा आंसर में क्या आ जाएगा? 2x-y = 10। दिस इज योर आंसर, विच ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्या मेरी बात फॉलो करके? इजी। चलो जी चले आगे, क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखाओगे? इजी क्वेश्चन है ये भी, 1 मिनट दिया। चलो ट्राई दिस, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ जी बने आंसर। हाँ जी बी आ रहा है। यस बी। कैसे आया? देखो जी इधर आ जाओ। प्लस आ गया माइनस सोच रहा हूँ नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली वो एरिया है ना ऐसे ये। ऐसे और ऊपर नीचे दोनों ट्राइंगल बन गए। हाँ यस। देखो इधर देखो जी, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, ठीक है जी। हमने ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, बन गया। देखो ट्रायंगल दिख रहा है बेटा क्या सभी को बनता हुआ? ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया कितना? 50√3 दे दिया गया। इज इट ऑल क्लियर? अब उसने क्या कहा हमें, कहता कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा? 30 डिग्री एंगल बना रही है। और इस लाइन को हम क्या कहेंगे? पी कहेंगे। क्या कहेंगे इस लाइन को? पी कहेंगे। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आ रही है बात? यस और नो? अगर मैं इसको बेटा पी कह रहा हूं, तो यहां पे ये वाला पॉइंट मेरे को समझ में आ रहा है। ये वाला पॉइंट तो हमेशा पता है ना आपको, 1,0 होता है। और ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ये क्या होता है? 0,b होता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पी की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से सुनो, आपको कल नॉर्मल फॉर्म सिखाई थी मैंने। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था? इस व्हाइट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन दिया क्या होगा? दिया होगा ये पी और ये एंगल। तो इस इक्वेशन को आप क्या लिखोगे? x cos 30 डिग्री + y sin 30 डिग्री और इक्वलेंट टू में क्या आएगा? पी। तो ये बन जाएगा x। हाँ जी कितना बन जाएगा? इट विल बी √3/2 + y/2 इक्वलेंट टू में क्या आएगा बेटा? p। क्या मेरी बात फॉलो करके? इतनी बात समझ में आई? चलो जी अच्छा, यहां से हम क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लें। क्यों सर? x इंटरसेप्ट क्या है? a। y इंटरसेप्ट क्या है? b। सर वो क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होगी? हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब ये आपका हाइट हो गया और ये आपकी क्या हो गई? बेस हो गई। तो इसीलिए मेरे को ए और बी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, एक्स इंटरसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इंटरसेप्ट? वाई इक्वल्स टू 0। अगर वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2p/√3। और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा? एक्स इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? 2p। ठीक है जी। तो ये एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये ए हो गया, y इंटरसेप्ट मतलब b हो गया। तो हमें दिया क्या हुआ है? हाफ बेस इंटू हाइट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 50/√3। क्या मेरी बात फॉलो करके?
अब देखो ध्यान से, अब ये इंटरसेप्ट है, हो सकता है ये इसका इस साइड भी हो सकते हैं, है ना, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम यहां पे क्या लेते हैं बेटा, मोड। क्या ले लेते हैं यहां पे? मोड, क्योंकि वो वैल्यूज बेसिकली लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है, बट हमें ए और बी नहीं ना पता लेफ्ट पे आगे राइट पे है, ठीक है जी। तो बेटा यहां पे हम मोड ले लेते हैं, तो इसीलिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, मोड वाली गलती मत करके आना पेपर में, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, इट विल बी सिंपली 2p बाय रूट थ्री, और बी की वैल्यू कितनी है, 2p इक्वल टू 50 बाय रूट थ्री प्लस माइनस, तो 2 से 2 कट गया, यहां पे क्या बन गया 2p स्क्वायर, अच्छा रूट थ्री से रूट थ्री भी कट गया, तो प्लस माइनस कितना बन गया ये 50। एक बार प्लस ले लेते हैं, बाद में पी की वैल्यू प्लस माइनस कर देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाद में कर देंगे, वो दिखा देंगे। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पी की वैल्यू कितनी आई बेटा बोलो अपना, यहाँ पे 25, तो रूट 25 प्लस माइनस रूट 25 लिख दूं, यहां पे प्लस माइनस कर देते हैं, क्यों, अगर डिस्टेंस ऐसा है तो डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है, क्लियर और नोट, समझ में आई ये चीज पक्का, इज इट ऑल क्लियर। चलो जी तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 5, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, रूट 3x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वलेंट टू, कैन आई से इट विल बी प्लस माइनस 5, यस और नो सर, ये क्या बन गया, रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 10, सर रूट 3x प्लस वाई, सर ये प्लस इधर जाके माइनस इधर जाके प्लस, अरे माइनस प्लस लिखा हो इस केस में या प्लस माइनस लिखा हो, वन एंड सेम थिंग है, उसका रीजन क्या है बेटा बोलो, क्योंकि बेटा ये एक इकलौता बंदा है ना, यहाँ पे एक ही बंदा है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज इट ऑल क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है जी, चलें आगे चलें। चलो हाँ जी बेटा, देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2 मेक्स एन 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ऑन दिस लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द पॉइंट 1,2, तो इसको देखती समझ में आ रहा है कौन क्वेश्चन किस फॉर्म का होगा, कोई बता सकता है, नहीं नहीं इसको बोलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या बोलेंगे इसको, पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या थी कल याद करो पैरामीट्रिक फॉर्म, ये देखो ये 1,2 है, यहां से डिस्टेंस है कितना, यहां से डिस्टेंस कितना बेटा 3, कल भी मैंने आपको बताया था यहां से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना हो और हमें क्या क्या चीजें दी होनी चाहिए, एक एंगल दिया होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हाँ जी बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो याद करो ये पॉइंट कितना बनेगा, 1 + 3 cos 60 degree एंड 1 + 2 sin 60 degree, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 1 + 3/2, ठीक है जी, और यहां पे क्या बन जाएगा 1 + 2 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो ऑप्शन क्या बच गई यहां पे 5/2 1 + √3, विच ऑप्शन इट इज, कुछ अरे अरे 2+ आएगा, गलती से 1 लिख गया यहां पे, तो विच ऑप्शन इट इज 5/2, सी ऑप्शन, हाँ तो साइन 61/3 3 sin 60, अच्छा यहाँ पे 3 sin 60 तो कटेगा नहीं ना, हाँ ठीक है 3√3/2 आएगा यहाँ पे, तो सी ऑप्शन, अच्छा सी ऑप्शन में वो प्रॉब्लम आ रही थी ना, समझ में आया पैरामीट्रिक फॉर्म, बस ठीक है यही लगाना है, देखना है क्वेश्चन में, अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, क्लियर है जी, चले आगे चले, लो जी करके दिखाओगे, लो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, हाँ जी हाँ जी, द लाइन पी क्यू हूज इक्वेशन इज दिस कट्स एक्स एक्सिस एट पी एंड क्यू पॉइंट, चेक कर लेना क्यू पॉइंट को उस लाइन पे सेटिस्फाई करता है कि नहीं, कर रहा है सेटिस्फाई, सिंपल सी बात है, जब तक बेटा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक दिक्कत है,
कौन सा सी आया, सी ऑप्शन। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, क्या कहता, द लाइन पी क्यू हूज इक्वेशन इज दिस। अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करता हूं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन रही है इसकी। सर आपको कैसे पता चला? अरे एक्स इंटरसेप्ट देखो कितना है, वाई इंटरसेप्ट देखो कितना है, 0, -2, और एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 2, 0। और जो पी पॉइंट है वो यहां पे लाई कर रहा है, और क्यू पॉइंट जो है वो यहां पे लाई कर रहा है। क्यू पॉइंट कितना है बेटा बोलो, 4, 2। अब मैं एक चीज देखता हूं, पहले सबसे पहले इस लाइन के बारे में बात करूं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप क्या है, 1। सर कैसे पता चला, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट ऑफ वाई, क्लियर। और यहां पे एंगल कितना बचता है, 45 डिग्री बचता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये 45 डिग्री है, अब मैं इसको और कितना रोटेट करूंगा, 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये देखो ये 45 डिग्री है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता तो ये किसके ऊपर आया था, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे बन जाएगा। तो यहां पे कहीं क्यू पॉइंट आ गया, बट बीच में ये एंगल क्या बन गया बेटा बोलो, ये एंगल बन गया 45 डिग्री। तो अल्टीमेटली ये पूरा एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। अब पूछा गया इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, मतलब जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी, दिख नहीं रही बट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 2 से। तो इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन समझ में आ रही है, एक्स इक्वल टू 2 ही होगी, दैट्स इट, खत्म, सी ऑप्शन। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आ रही है ये चीज, पक्का, चलें आगे, चलो हाँ जी करके दिखाओगे, नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ एम, जल्दी फास्ट, जल्दी 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 फास्ट, ट्राई दिस, अच्छा क्वेश्चन है ये। दो आ रहे हैं, यस दे आर टू इंटीजर पॉइंट्स, यस -1 एंड -2। हाँ जी होगा क्या, देखो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज आल्सो एन इंटीग्रल वैल्यू। तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन कह रहा है, देख लो एक बार अच्छे से पढ़ लो, और इंटरसेक्शन इंटेग्रल है, एम की वैल्यू इंटेग्रल है, तो बेटा उसके बाद भी उसने क्या कहा है, ये लाइन भी कैसी होनी चाहिए, इंटेग्रल होनी चाहिए। क्या चेक किया आपने उसके बाद इस लाइन को, मैं बताता हूँ, फिर तो आंसर दो ही आएगा, बट बाई चांस वो सही हो गया तेरा, अच्छा एक पॉइंट मिस कर गया तू यहाँ पे। अच्छा जी, नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यू ऑफ एम निकालना है, ठीक है जी, क्लियर। चलो अब मैं इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को क्या करूंगा बेटा, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट में क्या करेंगे, मेरे को वाई की वैल्यू क्लियरली दिख रही है, तो मैं यहां पे वाई की वैल्यू को फिल कर दूंगा बेटा, कितना बन गया बेटा ये देखो, 3x + 4mx + 4 = 9। तो यहां से एक्स की वैल्यू बाहर आ गई 4m, और यहां पे कितना बच गया 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 + 4m, ये बन गया हमारा x की वैल्यू। अब हमें x क्या चाहिए बेटा, x क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x इंटीजर दिया हुआ है, तो अगर x तभी इंटीजर होगा जब ये इंटीजर बनेगा। अब यहां पे तो ये पता ही नहीं सर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ये भी चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा m कैसा होना चाहिए, m भी इंटीजर होना चाहिए, है ना, क्लियर हो नोट। तो m को इंटेग्रल वैल्यू पुट करके देख ले, और यहां पे नीचे क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं,
अच्छा जिस दिन ये 1/2 आएगा उस दिन x की वैल्यू इंटीजर हो जाएगी। पहले ये बताओ नीचे 1/2 आ सकता है? नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, 1/2 आ ही नहीं सकता। नीचे क्या क्या वैल्यू आ सकती है? नीचे वैल्यू आ सकती है एक तो -1, 5/-1 इज -5, ठीक है। एक आ सकता है 1 आ सकता है। अच्छा और क्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है नीचे, और क्या आ सकता है? -5 आ सकता है। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आ रहा है? ये वैल्यूज आ सकती है, और तो कोई वैल्यू नहीं ना आ सकती। अच्छा यहां पे तो 3+4m इक्वलन टू -1, यहां से 4m की वैल्यू कितनी आ गई? -4। m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। एक पॉइंट हो गया। अच्छा 3+4m ये किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल। यहां पे चेक कर लो, ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही, तो यहां -1, इट इज नॉट इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर हो गया जी? इसी तरह से बेटा 3+4m अगर आप 5 को लेके चेक करोगे तो यहां पे इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी, 1/2 बन रही है, चेक कर लेना। 3+4m इक्वल टू -5, तो 4m की वैल्यू कितनी आ गई? -8। m की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। तो दो वैल्यूज आनी है m की। अब यहां से जल्दबाजी में हम आंसर लिखाते हैं, एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड आउट करो। क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m, m की इंटीजर वैल्यू निकालनी है, फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज ऑल्सो। यहाँ पे या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है? नहीं 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 ठीक है ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ एक चीज और। अच्छा अगर x इंटीजर होगा तो y, देखो इधर देखो, एक चीज चेक जरूर करनी पड़ेगी, अगर m इंटीजर है और x इंटीजर है तो y कैसा होना चाहिए? y भी इंटीजर होगा। तो बेटा एक बार जरूर m की वैल्यूज इसमें भी फिल करके चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है। वैसे m इंटीजर है, x इंटीजर है, तो y भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अगर वो रैशनल आएगा तभी होगा, मतलब एक इंटीग्रल वैल्यू होती है और एक रैशनल होती तब होता है, ठीक है, दोनों इंटीजर है। क्लियर हो गया जी? समझ में आया ये चीज? डोंट नीड टू चेक, चले आगे चले। चलो क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया कि दो वैल्यूज आएंगी सिर्फ? चलो जी करो जी, स्टार्ट करो ये वाला क्वेश्चन। ये तो सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है क्लास में बहुत बार। कैसे रैंडम? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कहीं भी हो सकता है, 100, 100 भी हो सकता है। नहीं, लाइन 100, 100 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, बट वो जो लाइन है ना वो 2, 2 से पास कर रही है, और ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है, एक ऐसा ट्रायंगल हमारे पास बनेगा जिसके जो अपना क्या कहते हैं सम है ना, सम एरिया, सॉरी नॉट सम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? 9 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है, तो किसके साथ बनेगा ट्रायंगल? सिंगल लाइन के साथ तो बनता नहीं है भाई ट्रायंगल। ट्रायंगल किसके साथ बनेगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो बनाओ फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। नहीं वो तो वैसे भी अगर दूसरी जगह भी बने तो भी तो कट कर सकता है। कैसे? अगर ऐसे लाइन तो ऐसे भी तो ट्रायंगल हो सकता। कैसे? नहीं ऐसे, बट हमारे पास गिवन क्या होता है, जब भी बेटा सिर्फ सिंगल लाइन होती है ना तो जो ट्रायंगल बनता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनता है, उसके लिए तो दो लाइनें और चाहिए, वो कहाँ से आएंगी? इस चीज के ऊपर भी सोचना है बेटा, जब भी बेटा सिंगल लाइन की बात कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, लाइन ट्रायंगल बना रही है, देखो क्लियरली मेंशन है वो। ना ना ना, सिंगल लाइन जब भी ट्रायंगल बनाएगी वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। इज इट ऑल क्लियर? सिंगल लाइन जब भी एंगल बना रही है वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। भाई थोड़ा सा एफर्ट्स इंक्रीज करो। देखो कुछ बच्चे एफर्ट इंक्रीज नहीं करना चाह रहे, अपना जेड़ा एम है ना उन्हें डिक्रीज कर लिया, ठीक है ना। डोंट डिक्रीज योर एम, इंक्रीज योर एफर्ट्स।
एफर्ट इंक्रीज करने तो डर रहे हैं आपां, ऊं तां गल कर रहे सी टंडे ऐं कर दांगे ऐं कर दांगे, हूं कुछ भी नहीं रहा बेचारियां तो। तो बेटा थोड़ा जा एफर्ट लाओ क्वेश्चन दे उते। कुछ बच्चे ने सोच लाना ये तो अपने बस का है नहीं। अरे भाई बस का नहीं है, एटलीस्ट ट्राई तो करो, जस्ट ट्राई इट वंस, नहीं फिर 3 बजे आओ, बिल्कुल छोड़ दो, एक जगह रहो। हाँ जी क्या ऑप्शन आया? ए, यस ए ऑप्शन। ना ना ना, देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। हाँ जी क्या कह रहा है? अलाइन पासिस थ्रू दी पॉइंट दिस। अब मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां से एक लाइन पास कर रही है, जो कहां से पास कर रही है? 2.2 से पास कर रही है। अब ये पॉइंट सभी को पता है, ये 0.b होगा, और लेट्स सपोज ये पॉइंट की बात करते हैं जो a=0 होगा। क्लियर है जी? तो ये लाइनें हमें दी हुई हैं। अब क्या कह रहा है? जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या बन रहा है? 9 स्क्वायर यूनिट्स बन रहा है फ्रॉम दी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दी स्लोप ऑफ लाइन इज। तो सम निकालना है स्लोप का, स्लोप का सम कैसे निकालोगे? तो क्या लाइन मैं कंसिडर करूं यहां पे? सबसे पहला पॉइंट तो यही है, देखो आ गया एफर्ट। बैठो जी, चलो आ जाओ, बैठ जाओ कहीं पे भी बैठ जाओ, लायक तक कहाँ बैठो। हाँ जी बोलो जी, क्या करना चाहिए बेटा हमें, बोलो। हाँ जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। आपको ये देखो ये पता है ना, एरिया हमें दिया गया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैंने ऐसा बना दिया तो इसका मतलब ये बी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? ए। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि हाफ ए इंटू बी, इसकी वैल्यू कितनी है? 9। तो मेरे को समझ में आ गया ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 18। अब दिक्कत क्या है सर? ना तो मेरे को ए पता है, ना मेरे को बी पता है, ए और बी नहीं पता, लेकिन हमें ये चाहिए किस फॉर्म में? एम की फॉर्म में। तो बेटा लेट्स सपोज मैं कहता हूं यहां पे कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई है, इट इज ए वेरिएबल पॉइंट, कहीं पे भी लेट कर सकते हो। तो इसकी स्लोप के बारे में बात करनी है, तो इसकी अगर स्लोप के बारे में बात करनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो इसकी। क्या लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो? कहने इसे वाई माइनस टू इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस टू। बट मेरे को रेशियो नहीं पता ना, मिड में है कहां पे है? वही वहां से भी आ जाएगा, इससे भी देख, मैं कोई इजी लेके जाता हूँ एक स्टेप देख तो सही। हाँ जी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आएगी? अरे वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कब आती है? जब वाई को 0 रखते हो। तो भाई एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बोलो? कहना ही से एम एक्स माइनस टू एम। चलो मैं एक बार ना इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया। अब बेटा मेरे को ये बताओ बी की वैल्यू क्या कितनी आएगी? बी इज वॉट? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट कर दो तो 2 माइनस 2 एम आ गया, और एक्स इंटरसेप्ट के लिए, हाँ जी एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करो? वाई को 0 पुट कर दो, कितना बन जाएगा बेटा? 2m - 2 / m आ गया। इज इट ऑल क्लियर? अब इसको यहां पे फिल कर दो। हाँ जी कितना बन जाएगा? 2 - 2m / 2m - 2 / m इक्वल टू 18। तो यहां से ये 2 2 कट के कितना बन गया? 9। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दें इसको 1 - m को। हाँ जी कितना बन जाएगा बोलो? 2m - 2 - 2m² + 4m शुड बी इक्वल टू 9m। तो बेसिकली ये बन कितना गया? -2m² प्लस ये कितना बन रहा है? 6m। कैसे कैसे कैसे? नहीं नहीं ये नीचे वाला भी तो है ना। हाँ जी अच्छा, ये ठीक तो गया हुआ है, कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? देख लो एक बार भाई, मेरे को तो लग, यहाँ पे 1 - m है ना, इसको 2m - 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कितना बनेगा ये? 2m - 2 - 2m² + 2।
इक्वलेंट टू में कितना आएगा, 9 एम। क्लियर है जी? अब देख लो कोई एम उम रहा तो नहीं, यहाँ पे रह गया एक एम, यहाँ पे रह गया एम। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये बन कितना गया, माइनस 2m स्क्वायर, ये 4 माइनस कितना बन गया 5m। ठीक तो है बेटा, वो 2 होना रहेगा यार। हाँ जी, कितना बन जाएगा बेटा बोलो, माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब उसने पूछा सम ऑफ स्लोप, हाँ जी कितना बन जाएगा, माइनस 5/2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 2.5। क्लियर है जी, ये आंसर आएगा ऑप्शन ए। इंटरसेप्ट ज्यादा इजी आ रहा है, कैसे आ रहा है बोल। कितना तो 2 2 से पास कर दिया। अच्छा फिर आगे तो ए बी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया तो ए प्लस बी क्या, बट ए प्लस बी सम ऑफ स्लोप होगा। मतलब तू कहता है कि इसको एलसीएम ले लिया हमने, 2a 2b और ab की वैल्यू 18 है, इक्वल टू 18, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अच्छा नहीं 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 नहीं, अगर कुछ और हो गया फिर 6 और 3 ना हुआ, 7 और 2 हो गया फिर। अच्छा मल्टीप्लीकेशन 18 आ रहा है, ये ठीक है, 9 और 2 बन नहीं सकता, ठीक है ये भी ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 18 आ रहा है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं, या तो 6,0 होगी या 0,3 होगी, या फिर उल्टा हो जाएगा 3,0 होगी या 0,6 होगी, ऐसा ही ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है। ठीक है जी, क्लियर। बट इससे ये है कि हमने यहाँ पे एक लगाया, यू कैन से हिट एंड ट्रायल टाइप कंसेप्ट। हाँ दिख रहा है तो ठीक है, ये कर सकते हो, बट मेन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर आंसर आया। हाँ वो 2 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, बट यहाँ से डायरेक्ट हम हिट एंड ट्रायल से आए। क्लियर, समझ में आया, ये दिख रहा है तो हम कर सकते हैं, समझ में आया, ये चीज भी आप कर सकते हो। चलो जी आ जाओ, करो जी करो, शाबाश जल्दी फास्ट। हाँ जी क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी साइड ए बी हैज इक्वेशन दिस एंड साइड ए सी हैज इक्वेशन दिस, इफ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज 5,6 देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बी सी। ओहो इक्वेशन ऑफ बी सी नहीं आती सर, निकालोगे, करो ट्राई करो। बस इसके बाद एक ओ भाई फोन बंद कर, क्या हो गया, बाहर जाके बात कर फिर। बेटा की गल, बेटा बाहर जाके कर ले गल, इन्ना किन्ना जरूरी कॉल है बेटा। जल्दी जल्दी फास्ट, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, बट ट्राई करो हो जाएगा। हाँ जी बी, नो
हाँ जी बना। कुछ बच्चे तो ना बस दिखावा कर रहे हैं भी मैं कॉपी ते पेन लाया होया है। सीरियसली बेचारे सवेरे सवेरे उठ के आने देखो इन्नी शिद्दत नाल। बुलंद सिंह का कहंदा सवेरे सवेरे 8 बजे ट्रैफिक होंदी है बहुत तगड़ी है नहीं अगे तो दिखेगी नहीं ट्रैफिक फोटो खींच के लिया पर स्नैपचैट ते पा दी स्ट्रीक भेजी मैनू स्ट्रीक फिर मैनू पूछ रहा है मैं क्या मैंने तो दिखी नहीं कहता तुसी पता नहीं कि जंगला च आने हो मैं क्या मैं तो पनामा के जंगला च उड़दा होया आना फ्लाई करके आना मैं सीधा कुछ बच्चों लग रहा है अगर सवेरे सवेरे आ जाते पागल जहाँ सर दस सवेरे सवेरे दिमाग खाना आ जाता साडा कुछ यही सोच रहे होंगे बट उन्होंने ये नहीं पता भी ये करियर का जो ये टॉपिक चल रहा है ना कितना की इंपॉर्टेंट है। हाँ लेंथी जा रहा है आंसर बिल्कुल। तू मेरे को पॉइंट्स बता दे क्या रहे हैं पॉइंट्स नहीं निकाले। हाँ बता मैं सर बता चल है BAC एंगल कैसे। अच्छा एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल दिया चलो ठीक है BAC एंगल पता लग गया फिर एक कोमा कितना एक पॉइंट कितना बन गया यार इतना टफ करने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं यार चार हाँ चार बनेगी बिल्कुल हाँ चार बनेगी। इधर आओ इधर आओ। क्वेश्चन बता देता हूँ सर, एक तो मिड पॉइंट्स आ जाएंगी, एक मिड एक्सपीरियंस पॉइंट से आएंगी दो एक्सपीरियंस साइड से आएंगी क्वेश्चन है बस। दो मिड पॉइंट से आएंगी दो साइड से आएंगी। इधर देखो मैं बताता हूँ आपको। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि होगा नहीं। ये देखो क्या कह रहा है बेटा इन द ट्राइंगल साइड ए बी ये लेट्स सपोज ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है लेट्स सपोज ये सी पॉइंट है। कहता साइड ए बी जो है वो क्या इक्वेशन दे रहा है बेटा 2x+3y=29 और जो इक्वेशन साइड ए सी है वो क्या है बेटा x+2y=6 और जो इफ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी हमें दिया हुआ है दैट इज 5.6। लेट्स सपोज मैंने इसको x1y1 कह दिया और इस पॉइंट को x2y2 कह दिया है ना। तो भाई मिड पॉइंट से एक इक्वेशन तो क्लियर कट आ रही है हमारे पास। क्या आ रही है बेटा बोलो x1+x2/2=5 कहना ही से 5 × 2 कह दूं और ये y1+y2/2=6 तो कितना आ गया 12। तो बेटा दो इक्वेशनें बन के सामने आ गई यहाँ पे दो ये इक्वेशनें बन गई। अच्छा सर दो और कौन सी बनेंगी देखो इधर देखो ये जो बी पॉइंट है ये कौन सी लाइन से पास हो रहा है इस लाइन से पास हो रहा है तो क्या बन गई ये इक्वेशन कहना ही से इट विल बी 2x1+3y1=29। अच्छा फिर ये यहां से पास हो रहा है सर कितना बन गया ये बन गया x2+2y2=6। अच्छा अब इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का सोखा तरीका देखो क्या है हमें किसकी वैल्यू पता है x1+y1 या हमें किसकी वैल्यू पता है y1+y2। या तो मैं y1 के कोफिशियंट और y2 के कोफिशियंट सेम करूंगा या फिर मैं x1 और x2 के मेरे को x1 और x2 के कोफिशियंट सेम करना इजी लग रहा है क्योंकि ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे किसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। अगर मैंने इसको ये इक्वेशन 1 कह दी इक्वेशन 2 कह दी मतलब मैं इक्वेशन 1 में ऐड करूंगा 2 टाइम्स इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं। देखो क्या इससे क्या बनेगा मेरे पास 2x1+3y1 दूसरी इक्वेशन को लिख रहा हूं इस तरीके से देखो ये बनेगा 2x2 4y2 और ये 29 एज इट इज +12 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये और ये इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो कितना बन जाएगा x1+x2 जिसकी वैल्यू कितनी है 10 तो मतलब इसको और इसको मिला के कितना आ गया 20। ये 3y1 और 4y2 है सर इसमें से 3y1+3y2 कर लो समझ रहे हो
3y1 प्लस 3y2 मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 36 प्लस क्या बचेगा सिर्फ y2 बचेगा और इसको ऐड करके कितना बन गया 41। तो यहां से y2 की वैल्यू क्लियरली कितनी आ रही है बेटा बोलो, इतनी आ रही है माइनस 15, तो माइनस 15 आ गई, y2 आ गया। क्या x2 निकाल लूंगा अब, बस या तो x2 निकाल लो बट x1 y1 निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू निकाल लो, x2 निकाल लो यहां से। जिस दिन मैंने x2 निकाल लिया तो कितना बन जाएगा माइनस 30 प्लस 6 कितना बन गया 36। तो इक्वेशन ये पॉइंट कितना आ गया 36 कोमा माइनस 15। अब ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के पीछे हो जाओ। क्या करेंगे कैसे? हाँ जी बोलो, कैसे निकलेगी इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो इस केस में? चलो y माइनस 6 और यहां पे क्या लिख देंगे x माइनस 5, 2.4 फॉर्म आती है, माइनस 15 माइनस 6 36 माइनस 5। हाँ जी कितना बन गया नीचे 31, तो 31 y माइनस 31 y वाली ऑप्शन एक ही है, बस पागल थोड़ी सॉल्व करके आऊंगा पूरा। अब मैं यार फर्ज थोड़ा ना मान जा रहे हैं, पेपर कटना पाना मेरे को 31 y दिख गया, नन ऑफ दीज ऑप्शन है नहीं, एक ही ऐसी इक्वेशन है 31 ही से प्राइम नंबर, कोई कटेगा नहीं बटेगा नहीं, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन खत्म। सॉल्व कर लेना घर जाके, इसको सही आंसर आ जाएगा। चले आगे चले, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे बेटा कल जी में इसने मैंने एक गल कही, कहते सर मतलब ना एक किया हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ गया, तो कोई बात नहीं जेई में ऐसे लड़ना नहीं है। अगर क्वेश्चन किया हुआ बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन दिख गया जिसका आंसर आपको डायरेक्टली पता है, टिक करा किथे ए फीलिंग लेनी आई स्वेयर मैंने आप निकाला है, ऐसा नहीं करना। हमने हमें तो नंबर चाहिए बस, क्लियर। हुन गल पता की है इस टाइम ते, गल पता किस चीज की आ जाती है इस टाइम ते, गल आती है नंबर लेन दी। इंडिया में आप नंबर लोगे तो करियर बनेगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है चीजें। अगर मान लो आपको टेस्ट में छोड़ो, चलो टेस्ट में निकाल लेना क्वेश्चन, बट अगर पेपर में क्वेश्चन किया हुआ आ गया बेटा मार देना टिक। अच्छा उसे करेगा पक्का? नहीं मैं क्या, चलो मैं एक बार दस दा, एक बार कांचो गल कढ़नी जरूरी है, नहीं कुछ बच्चे ना वो ले लेते हैं इसको क्या कहते हैं यार, वो नहीं यार ईगो, ईगो किसको आएगी। चल यार जिम्मे कह रहा है मैनू तो यह क्वेश्चन आंदा है, मैं कट के दिखाऊंगा, है सेल्फ, हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट हम इसको बोल सकते हैं ज्यादा, कि भाई मेरे को ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, वो में नहीं करना अपन नहीं, ठीक है, क्लियर। तो जैसे अब यहाँ पे मैंने छोड़ दिया 31 भाई, मैंने आगे कुछ किया नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे को आता है क्वेश्चन बट मेरे को पता आंसर पता लग गया तो छोड़ दो इसको, खत्म होगी कहानी। चले आगे चले, चलो करो जी ये क्वेश्चन ट्राई करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 20 स्क्वायर यूनिट्स इफ द वर्टेक्स ऑफ ए एंड बी आर दिस, सी लाइज ऑन द लाइन दिस, देन कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बताओ जल्दी। दो बन रहे हैं, कौन कौन से? नहीं बी और डी दोनों ही बनेंगे है ना, बना के देखना एक बार जरा। थर्ड क्वाड्रेंट भी बन रहा है और फर्स्ट भी बन रहा है, मॉड लगेगा ना। चलो देखते हैं, जो हाँ जी इधर देखो, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, किसके साथ बना रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दिया हुआ है, और जो सी पॉइंट है वो हमें बात करनी है उसकी। अच्छा लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दिखाता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का कमाल होगा, क्यों एक पॉइंट सीखने वाला है यहाँ पे, ये माइनस 5.0 है लेट सपोज, और ये वाला पॉइंट लेट सपोज हमने कर दिया 3.0,
और यहां से ये पॉइंट हो गया आपका बी, और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा ए, और यहां पे ट्रायंगल हो सकता है ऊपर को बन जाए, हो सकता है ट्रायंगल ये नीचे को भी आ सकता है, अभी पता नहीं है कहां कहां पे लाई करता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सी पॉइंट है ना, ये पक्का एक लाइन से पास कर रहा है। कौन सी लाइन से पास कर रहा है? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू? आपको अगर याद होगा, अगर मैं कहता हूं कि ये पॉइंट, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू ए है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए माइनस टू। किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नीचे वाला भी दिख रहा चलो कोई बात नहीं, अरे मैंने पॉइंट ही दिखाना है मेन, तो देख सो सही। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब मेरे को पता है कि ये बेस हो गया ट्रायंगल का, बेस कितना है? एट। बेस कितना है ये? एट। क्या इस पॉइंट से आप हाइट निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो? लैडर मेथड की क्या जरूरत है यहाँ? डिटरमिनेंट उसमें ज्यादा इजी बन जाता है, क्योंकि 0 0 है तो एक ही फॉल्स फॉर्म का मतलब ओके, वो भी कर सकते हो। वो वैसे भी डायरेक्शन नहीं, यहां पे भी, यहां से भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट पॉइंट तो यहां तक निकालना पड़ेगा। मेरे को पता है इसकी हाइट जो है वो कितनी है, सिंपली ए माइनस टू, हाइट तो यही रहेगी। अब मेरे को पता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट में ए माइनस टू मैं मोड में लूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना वो नेगेटिव है के पॉजिटिव है। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा? 20 का इक्वल दिया हुआ है, तो कटिंग कुटिंग कर दी 4, और कटिंग करके कितना आ गया? 5। तो यहां से ए माइनस टू एक बार प्लस 5, ए माइनस टू एक बार माइनस 5, तो एक बार ए की वैल्यू 7 आ रही है, और दूसरी बार ए की वैल्यू -3। अगर ए 7 आ रहा है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बोलो? 5। और यहां पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो फिर मल्टीपल करेक्ट हो गए हैं, तो फिलहाल ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि कंडीशन कोई दे नहीं रखी क्वेश्चन में। अगर दिया होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा या थर्ड में बनेगा, फिर एक ऑप्शन आ जाती। क्लियर हो नोट? समझ में आया? मेरे ख्याल से ज्यादा इजी हो गया ऐसे, ठीक है जी, क्लियर है जी। चले आगे। लो जी, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम लगेगा बट हो जाएगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो हो जाएगा। वन खाती बहुत लग गया ना, चलन तो खाती नहीं चल रही चलन पे, ये तो मैं वहीं जाया है पीछे। पेपर च भी नहीं चलने हाथ, पेपर पता कदों आएंगे? फेब च डेट शीट तो आ गई, बोर्ड की तो आएगी, कहता उस टाइम तो हाथ गर्म कर लेंगे सर। होने नहीं, उस टाइम ते मूंह बेटा बोर्ड च ना छोड़ो यार, मतलब हाथ पैर सब कंब रहे होने हैं, मुंह लाल होया होता है टमाटर वर्गा। फिर उस बाद अपन ने उपरों ना एक ब्लेजर होंगे, ब्लेजर नाम की चीज नहीं होंगी, स्कूल वाले कहने ब्लेजर डाल के आना पेपर देने, तो ब्लेजर उतार देने आप, कहने चलो पजर दो ब्लेजर की, मेरे तो मुंह पैर सब ठंड की जगह गर्म हो गए, तो एन फेब दे मन चुरे तो ए पसीना चूरिया होता है एन पूरे तक, भी की हो गया मेरे नाल। चलो कोई गल नहीं, आ जाओ। हाँ जी, कैसे किया? नहीं, वन आएगा आंसर डायग्राम से। ये देखो, ये कहता है ये एक ट्रायंगल है जी, पूरा कार्टेशियन बनाऊं। चलो आ जाओ, पहले इसके मेथड से करते हैं। हाँ जी, ये एक कार्टेशियन प्लेन है,
वाई इक्वल्स टू जीरो वाली लाइन ये हो गई, ये वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन हो गई, ये वाई इक्वल टू एक्स हो गया, ये वाई इक्वल्स टू जीरो हो गया, और ये वाली जो लाइन है ये यहां से पास होगी। क्लियर? ये पॉइंट लेट्स सपोज मैंने कह दिया ये है 4.0 और ये पॉइंट आ गया 0.4, और ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूंगा तो ये 2.2 होगा और ये पॉइंट होगा 0.0। अब वो कह रहा है कि 1, लैम्डा जो है वो कहां पे लाई करना चाहिए, वो इनसाइड दी ट्रायंगल लाई करना चाहिए। ठीक है जी, लैम्डा देखो, लैम्डा की वैल्यू देखो, ये 1 आ गया बेटा, लेट्स सपोज ये क्या आ गया, ये 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है लैम्डा के लिए? लैम्डा ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा, यस और नो? अरे एक मिनट, मैं ना थोड़ा सा इधर करके बनाता हूँ पॉइंट, क्योंकि ना वो 2.2 के ऊपर बन गया पॉइंट वो ना, इसलिए इनको समझने में दिक्कत आ रही है। यहां पे कहीं बना लिया, ये लेट्स सपोज मैंने कह दिया ये, अगर ना ये हो प्रॉपर डायग्राम फिर तो ये दिख जाएगा यहां पे। लेट्स सपोज मैंने यहां पे बात कर ली 1, लैम्डा। अब देखो क्लियरली आपको, अगर आप इसके ऊपर लाइन मारोगे तो यही बनेगी ना लाइन, और ये वाला पॉइंट मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये 1.1 होगा इस लाइन पे पक्का। अब ये जो लाइन है वो ट्राइंगल के अंदर तभी रहेगा जब लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 1 तक। जिस दिन 0 और 1 के बीच एक्स्ट्रा हो गई उस दिन लैम्डा बाहर आ जाएगा, 1, लैम्डा सर्कल ट्रायंगल से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, 0 से 1 तक। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए क्या, a+b, तो a+b की वैल्यू बता दो 0+1 कितना आया आंसर। ठीक है जी, ना 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 कभी नहीं मानना, ऑन द लाइन दिया होता तो एग्जैक्ट वैल्यू आती 0 और 1, इंटीरियर में ऑन द लाइन नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऑन द लाइन। हाँ जी समझ में आ रहा है, इज इट ऑल क्लियर? अच्छा सर अगर किसी और तरीके से करना होता, जो इसका वो दूसरा तरीका है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑफिशियल, ये भी वैसे तो ठीक है, सोच तो ये भी सही है, हर बार कार्टेशियन से नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? ये देखो ए बी, ये है सी, अब ये जो पॉइंट है पी, अब हम क्या कहेंगे दैट पी एंड सी लाइज ऑन सेम साइड ऑफ बी, क्या ये कहेंगे? ए बी ए बी ए बी ए बी, यहां पे क्या लिखते हैं, सेम साइड ऑफ ए बी। ये देखो ये ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन, ए बी लाइन के सेम साइड पे कौन कौन लाई कर रहा है, पी एंड सी। लेकिन ये देखो इधर देखो, इधर देखो पी एंड सी सेम साइड पे लाई कर रहा है, तो हो सकता है पी यहां पे भी हो सकता है, 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 कहीं भी लाई कर सकता है। तो पी देखिए आपने वो कितने पॉइंट्स पे लाई कर सकता है, इज इट क्लियर? अब मैं क्या कहता हूं, पी एंड बी लाइज ऑन दी सेम साइड ऑफ, पी एंड बी लाइज ऑन दी सेम साइड ऑफ एसी। तो अब इस केस में कहां कहां लाई कर सकता है पी, यहां पे भी लाई कर सकता है, यहां पे भी लाई कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, और यहां पे भी कर सकता है। क्लियर? फिर उसके बाद हम कहेंगे पी एंड ए लाइज ऑन सेम साइड ऑफ बीसी, तो फिर कहां कहां लाई करेगा, एक तो बेटा ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यहां यहां तीन टिक बताओ कहां लगे हुए हैं। तो इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो ट्रायंगल के बीच में लाई करेगा, तो हमें यहां से कॉमन पोर्शन इनका क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। वो कैसे होगा सर, देखो पी पॉइंट जो है वो सेम साइड ऑफ ए बी है, ए बी की इक्वेशन पता है वाई माइनस एक्स, अच्छा इसको क्या लिखा हुआ है वाई माइनस एक्स, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा पी पॉइंट आएगा 1 - λ आ जाएगा बेटा, और बेटा कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट, सी पॉइंट कितना है 4.0, तो यहां से मैं इसको क्या लिख दूंगा 4 - 0, इट शुड बी
लेसर देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो जब सेम साइड पे होते हैं तो क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से मेरे पास क्लियरली क्या आ गया, वन शुड लैम्डा शुड बी लेसर देन वन। क्या हो गया, हाँ जी ये आ गया एक कंडीशन। अच्छा उसके बाद क्या कहा है बेटा, पी पॉइंट एंड बी पॉइंट लाइज ऑन दी सेम साइड ऑफ एसी। हाँ जी ये वाली एसी की इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। हाँ जी बोलो क्या आएगा बेटा, बोलो वन प्लस लैम्डा माइनस फोर और नेक्स्ट वैल्यू बेटा क्या आएगी, जीरो जीरो। तो जीरो माइनस फोर इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, फोर को खत्म कर दो, लैम्डा माइनस थ्री शुड बी लेसर देन जीरो। यहां से क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू तीन से छोटी, एक से बड़ी आ रही है तीन से छोटी आ रही है। अच्छा एक से छोटी आ रही है, तीन से भी छोटी आ रही है, गलती से बोल, गलती गलती गलती। अच्छा अब बीसी, बीसी में तो कुछ है ही नहीं, ये वाली लाइन कौन है, ये वाई कोमा जीरो है। अच्छा फिर ठीक है, बस वाई कोमा वाई इक्वल टू जीरो में क्या आएगा, यहाँ पे एक तो लैम्डा आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एक टू आ जाएगा एंड इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे नंबर लाइन बनेगी, अरे दिखाने तो दे भाई, चारों को पढ़ाना है यार, तू कमाल है, तब तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, ये क्या कह रहा है लेसर देन वन, और ये क्या कह रहा है लेसर देन थ्री। तो ये बताओ ये तीन लाइनें कहां पे आ रही हैं, जीरो और वन में। तो लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, जीरो से वन में। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई अगेन, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा लेंथी वे था, वो इजीएस्ट वे था, बट हर बार जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बाई चांस हो गया, बट वे जो है वो यही रहेगा इसका। क्लियर है जी, समझ में आया ये, इज इट ऑल क्लियर, चले आगे। चलो नेक्स्ट करो जी, यार ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन, निकालो, करो करो, शाबाश। हमें बेस दिया हुआ है, ठीक है, चले आ तो गया बट आया नहीं, ये क्या बात बनी, मैंने बंद कर दिया अभी। पॉइंट बता क्या आया, एक ही फॉर्म में आएगा भाई, गलत है बंदा, गलत है यार। बेस दिया हुआ है कुछ, ये है टू ए कोमा जीरो और यहां पे ये है जीरो कोमा ए और वन साइड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
मतलब इसकी एक साइड जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब जो तीसरा वर्टेक्स है वो यहाँ कहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई होगा तो ये पक्का है कि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट तो टू ही होगा और ये के हो गया। और यहां से हमें इस इक्वेशन के बारे में बात करनी है, ये वाइट लाइन की इक्वेशन के बारे में बात करनी है। अब उसने क्या कहा है, ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस। एंड्स ऑफ दी बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वन साइड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी अदर टू साइड्स। अब बेटा ये बताओ, लेट सपोज मैं इसको अगर ए कह दूंगा, इसको बी कह दूंगा और इसको सी कह दूंगा। अब मेरे पास मैं क्या कह सकता हूं यहां से, बोलो। हाँ जी, बी आ रही है, बी डी चेक कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं अभी। हाँ जी, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूले से देख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। अब बताओ मेरे को करना क्या चाहिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, किसके किसके डिस्टेंस इक्वल कर दूं, क्या ए बी इक्वल टू ए सी कर दूं, कौन सा करूं, ए बी इक्वल टू बी सी, वाई ए बी इक्वल टू बी सी। हाँ ये देखो ना, एक तो इसका डिस्टेंस निकालना भी इजी है, मेरे को पता है इसका डिस्टेंस कितना है के। अच्छा इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लूंगा, ये क्या लिखेंगे, कैन आई से ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब दिमाग काम कर रहा है, रूट आएगा तो क्या कर देंगे, स्केयर। अगर मैंने स्केयरिंग कर दी तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो, ये टू ए माइनस जीरो का स्केयर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, के माइनस ए का होल स्केयर इक्वल टू के स्केयर, तो बन जाएगा फोर ए स्केयर के स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू ए के इक्वल टू के स्केयर। तो के स्केयर कट गया, यहां से क्या बन गया बेटा, फाइव ए स्केयर डिवाइडेड बाई टू ए इक्वल टू के, तो ए से ए कट गया। अब ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती ना, अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने कटिंग कर दी यहाँ पे। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव बाई टू। यस और नो, इज इट ऑल क्लियर, समझ में आ रही है चीज। ये देखो अब नीचे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि के स्केयर से के स्केयर आपस में क्या हो रहा है बेटा, कैंसल आउट हो रहा है। अगर तू नीचे ले जाएगा इसको तो आइसोसेलेस की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बेटा फिर, शाबाश, तू तो बहुत गुड बच्चा है, तू बेटा पेपर निकाल लेगा। ये वो गैंड बच्चे ने अपनी क्लास दो तीन का। ठीक है बेटा, हाँ किधर, नीचे ले लूं पॉइंट, क्यों लूं जीरो कोमा के, ले पागल है, मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है यहां से, मैं जीरो कोमा के क्यों लूं, ले ऐसे अंतर आ जाएगा, धक्का तो ना करना क्वेश्चन के साथ, आंसर आ जाएगा। ले अभी क्वेश्चन ऑफ ए भी निकालनी है, निकाल दो। हाँ जी कैसे लेंगे, हाँ जी क्या बन जाएगा बेटा, बोलो, वाई माइनस ए, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स माइनस जीरो, और यहाँ से स्लोप निकाल लो, फाइव ए बाई टू माइनस ए और डिवाइडेड बाई टू ए माइनस जीरो, तो वाई माइनस ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, थ्री ए बाई टू डिवाइडेड बाई टू ए, और ये बन गया एक्स, तो क्लियरली ये कट गया, तो वाई माइनस ए थ्री बाई फोर एक्स, तो बन कितना गया, फोर वाई माइनस फोर ए इक्वल एन टू थ्री एक्स, तो थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर ए इक्वल टू जीरो, सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप निकाल दी, चलो ये भी ठीक है, स्लोप भी निकाल सकते थे आप, बट तू खतरनाक है बेटा। हाँ जी क्लियर हो गया जी, चलिए पता नहीं कैसे कर रहा है एग्जैक्ट मैच। चलो जी बाकी कल करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो मैनू ये लग रहा है कि कल का दिन तो है ही, बट आई थिंक परसों का भी दिन लगेगा स्ट्रेट लाइन के उत्ते, लेट्स सी। उस तो बाद स्ट्रेट अपना स्टैट स्टार्ट कर देंगे, बट जेडे इंपॉर्टेंट चैप्टर थी ना प्लस वन दे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, बाकी तो हूँ बचा होया वो थोड़ी किस्मत भी, जेड़ा अपने हले पार्ट छड़िया होया उचो जो कोई क्वेश्चन आ गया वो लास्ट देखांगे, इस बाद अपन रिवाइज करांगे प्लस टू, इट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। बंद कर दो।